आपकी जेब में गांधी हाँ तो आप चला सकते हो आंधी। अच्छा ऐसा ऐसा तो भाई साहब क्या डायलॉग हमारा, आपकी जेब में गांधी तो आप चला सकते हो आंधी, एकदम मतलब तूफान चला सकते हो, तूफान चला सकते हो और अंदर मतलब मस्त, सब मस्त माहौल है, आपकी सोच से परे है। अच्छा ये थाईलैंड है, इंडिया का थाईलैंड समझ लो। इस वीडियो के अंदर दिखाया गया जो भी कंटेंट है वो बिल्कुल भी अश्लील कंटेंट नहीं दिखाया गया है। इसके अंदर मैं आपको जो भी लाइफ दिखाऊंगा वो यहाँ की जो लोकल नाइट लाइफ है वो ही दिखाने वाला हूँ। कोई भी आपत्तिजनक जो है वो चीज इस वीडियो के अंदर आपको नहीं मिलेगी। जो यहाँ की नेपाल की असली नाइट की जानकारी है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं बीएल बिश्नोई आप सभी का यात्रा गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों पेट में बहुत ही भयंकर चूहे दौड़ने लग गए थे, रात के 9:30 बज रहे हैं क्योंकि मैं दो वीडियो एडिट की थी आज, बहुत ही ज्यादा वर्कलोड था अपने ऑनलाइन का तो उस हिसाब से। और अब नाइट में मैं निकल चुका हूं दोस्तों नेपाल की खूबसूरत सड़कों पर, रात के 9 बजने लग रहे हैं और अभी घंटा भर लगेगा मुझे खाना खाने में। लगभग 10 बजे के बाद मैं आपको पोखरा की आपको नाइट लाइफ भी शानदार वाली दिखाने वाला हूं, कैसी कैसी यहां पर जवानियां जो है वो रात को किस प्रकार से रंगीन हो जाती है सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इस प्रकार से मैं देख चुका हूं। तो वो पूरा मैंने पहले एरिया का अन्वेषण किया और वो अन्वेषण मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो घर पे बैठे आप देखिए नेपाल की रंगीन रातें और किस प्रकार से जवानियां जो है वो अपनी मौज मस्ती उड़ाती है और जो लोग है वो अपने घरों से निकलकर सड़कों के ऊपर किस प्रकार से, आप देखना अभी दिखाता हूँ। फिलहाल इस प्रकार से लोग मुझे बहुत ही ज्यादा देखने लग रहे हैं लेकिन मैं भीड़ में जाने वाला हूँ और आपके लिए ताबड़तोड़ व्लॉग बनाने वाला हूँ। चलिए चलते हैं, फिलहाल खाना खाते हैं उसके बाद देखते हैं। इस रेस्टोरेंट के अंदर दो हॉल है और दोनों के दोनों भाई साहब फुल चल रहे हैं, यहाँ पर बैठने की जगह तक नहीं मिल रही है तो एक खांचे के अंदर टेबल और कुर्सी इस प्रकार से लगाकर हमारे लिए व्यवस्था की है। और अगर आप मेरी तरह प्योर वेजिटेरियन हो और नेपाल के अंदर आप विजिट कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज़ सर्च करनी है गूगल के ऊपर, मारवाड़ी रेस्टोरेंट, ठीक है। मैं खुद भाई जोधपुर मारवाड़ से हूँ और मारवाड़ी जहाँ पर भी रहेंगे आपको प्योर वेजिटेरियन खाना मिलेगा। तो बाकी तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेज के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो फिलहाल अभी ऑर्डर करते हैं खाना, देखते हैं किस प्रकार का खाना रहता है। भाई शानदार खाना पीना हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा वेट करने के बाद हमारी बारी आई और बहुत ही मस्त खाना मिल गया। अब मैं निकल चुका हूँ भाई नेपाल की सड़कों के ऊपर और अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ की नाइट लाइफ किस प्रकार से है, नेपाल की रंगीन रात है भाई। सड़कों के ऊपर जो लोग हैं वो इस प्रकार से निकल चुके हैं आसपास और आगे के खूबसूरत नज़ारे आपको दिखेंगे और होटल्स वगैरह से जितनी भी सुंदरियाँ हैं सब के सब भाई यहाँ से जो है वो निकल चुकी है। और ये इस प्रकार की देखिए दुकानें खुली है और आगे चलते हैं, चलते चलते मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ का जो नाइट का व्यू दिखाता हूँ। देखिए सड़कों के ऊपर मस्त मस्त नज़ारे दिखेंगे आप लोगों को, देख सकते हैं भाई। मसाज वसाज करा सकते हैं, 24 घंटे खुले रहते हैं और मसाज के नाम पर आप बहुत ही ज़्यादा रंगीन बना सकते हो अपने कुछ यादगार पल। और इस प्रकार से ये देखिए बहुत सारी दुकानें हैं, लेट नाइट तक खुली रहती है। और ये इस प्रकार से देख सकते हैं भाई, अब जितने भी लोग हैं वो दिन में थके हुए सब अपने अपने होटल्स वगैरह में चले गए हैं और अब दूसरे वाले लोग जो है वो सड़कों पे आने वाले हैं। और आगे दिखाता हूँ, देखिए मजा आने वाला है भाई। भाई यहाँ पर जो दिन में जो लोग मजे करते हैं वो दिन वाली लाइफ जो है वो खत्म हो चुकी है और अब जो लाइफ स्टार्ट होने वाली है वो नाइट की लाइफ स्टार्ट होने वाली है भाई। अब दिन में मजे करने वाले लोग जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं अपने अपने होटल्स और हॉस्टल्स के अंदर और अब रात को मजे करने वाले लोग जो है वो पब बार और इस प्रकार से सड़कों पे घूमने फिरने के लिए बाहर आ चुके हैं। और मैं आपको बहुत ही ज़्यादा भीतरी इलाके में लेके चलता हूँ जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आपको सीन देखने को मिलेंगे भाई। रात के समय भाई खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी, बहुत ही देर रात तक आपको हर दुकान पर दारू मिल जाएगी। इंडिया में ऐसा नहीं है कि भाई आप हर दुकान पे इस प्रकार से दारू बेच सकते हो, सिर्फ ठेके के अलावा कहीं नहीं मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पर किराने की दुकान पे आपको दारू मिल जाएगी, कपड़े की दुकान पे भी तक आपको दारू मिल जाएगी, हर जगह आपको दारू ही दारू देखने को मिलेगी भाई यहाँ पर। और यह है कुछ इस प्रकार का नाइट का व्यू। कितने का क्या है मसाज रेट? नेपाली 1500 और 1000 इंडियन का मनी में दिन आया था, 1000 नेपाल का मनी दिन आया था। अच्छा मतलब ये मसाज। और मसाज में कौन रहता है? लेडी। और कितने घंटे रहेगा? 1 आवर्स का। उसमें क्या क्या रहेगा 1 आवर्स में, क्या क्या सुविधाएं रहेगी? यहाँ पे आसपास आपको बहुत सारे स्पा मसाज वाले मिल जाएंगे, पब वगैरह के अंदर मिल जाएंगे। और आप अगर पब वगैरह में जाओ तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा, थोड़ा बहुत क्या मतलब कंप्लीट आपको सावधान रहना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा स्कैम चलते हैं।
अंदर पब के अंदर जाने के बाद जब आप टेबल के ऊपर बैठोगे तो लड़की जो है वो आपके पास आएगी और आपको बोलेगी कि भाई जूस पिला दो, ड्रिंक पिला दो इस प्रकार से, और फिर वो उनकी मतलब सेटिंग रहती है अंदर से ही ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बिल बनवा सके आपके। ज्यादा से ज्यादा स्कैम तो क्या करेगी, बस आपकी एक ही जेब काट सकती है बस, और ज्यादा का यहाँ पर कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की भी जरूरत है भाई। अभी भाई मैं एक बार के अंदर गया था, सूट करने मेरे को दिया नहीं, वहां पे एक बाउंसर भी खड़ा था, ठीक है, उसने मेरा जो है वो उसने बोल दिया कि भाई सूट मत कर। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं अंदर भाई मेरे को घूम के आने दे, अंदर का माहौल देखता हूँ मैं, ठीक है। तो अंदर गया, उसने मेरी फ्री एंट्री कर दी। वैसे एंट्री फ्री होती है, अंदर जाओगे तो आपको जो चीजें मिलेगी वो बहुत ही ज्यादा महंगी महंगी मिलेगी, चार्ज वार्ज कुछ नहीं है। कुछ कुछ जो बड़े बड़े जो बार है उसके अंदर आपका जो है वो एंट्री चार्ज लगेगा। तो अंदर गया तो भाई साहब एक से बढ़कर एक रापचिक माल, और जब भी आप टेबल के ऊपर बैठोगे तो मतलब मैं अंदर देख के आया, माहौल काफी अब बहुत ज्यादा है कुछ बता नहीं सकता ज्यादा तो सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन देखते रहिए बस आप, इंजॉय करते रहिए मजेदार नेपाल की नाइट लाइफ। यहाँ पे भाई आप देख सकते हो कितनी मारामारी चल रही है बाहर के अंदर जाने के लिए, बहुत ही ज्यादा भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। जिनके पास पास है उन्हीं को ही बाहर के अंदर ज्यादा एंट्री दी जा रही है, बाकी फिर धीरे धीरे जैसे जैसे नाइट होगी वैसे वैसे आपको सड़क के ऊपर बेवड़े बेवड़े देखने को मिलेंगे, सब मतलब नशे के अंदर धुत मिलेंगे आपको यहाँ पर। लड़के क्या, लड़कियां क्या, मतलब पांव भी उनके जमीन पे नहीं टिकेंगे, तो मतलब इस प्रकार से रहेगा मामला। हेलो, तो भाई हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पर भाई लोग जुड़े हैं जो इस प्रकार से अभी नाइट लाइफ का मजा लेने लग रहे हैं, मतलब एक से बढ़कर एक, मतलब आंखें ठंडी करने का मामला है, एकदम मामला है। तो फिलहाल बार बार में जाओगे कभी जाना है? ओके, कल क्लब 16 में जाने की तैयारी है। अच्छा, थोड़ा बाहर हाथ सेक रहे हैं, हाथ सेकते ही अंदर। थोड़ा यार अंदर मैं तो गया नहीं हूँ फिलहाल, थोड़ा ऐसा मैं देख के आया हूँ, थोड़ा अंदर का माहौल बताओ ना कैसा है। अंदर का माहौल ऐसा है, अगर आपकी जेब में गांधी तो आप चला सकते हो आंधी। अच्छा, ऐसा है साहब? तो भाई साहब क्या डायलॉग हमारा, आपकी जेब में गांधी तो आप चला सकते हो आंधी, एकदम मतलब तूफान चला सकते हो, तूफान चला सकते हो, और अंदर सब मस्त माहौल है, आपकी सोच से परे है। अच्छा, ये थाईलैंड है, इंडिया का थाईलैंड समझ लो। अच्छा, तो भाई साहब ये थाईलैंड समझ लो, अब थाईलैंड कह दिया मतलब बात पूरी हो गई, बात पूरी हो गई, दो लफ्जों में बात खत्म। कहाँ से हो वैसे आप? अलीगढ़। यूपी बिहार के भैया है भाई साहब, एकदम मस्त है। और बहुत सारे देखो ये हमारे दोस्त लोग जो भाई इंडिया से रापचिक मजे करने के लिए आए हैं, एकदम रात के गुलचरे उड़ाने के लिए, दिन दिन सोते रात को मजे करते हैं, ये नाइट लाइफ ही है। ये पूरी स्ट्रीट इस प्रकार से, और जैसे जैसे नाइट होगी वैसे वैसे बहुत ज्यादा है। 12 बजे के बाद क्रश आता है। अच्छा, रश पूरा टोटल 12 बजे के बाद ही आपको लगेगा कि हाँ शहर खुला है। अच्छा, तो भाई साहब ये माहौल है, और काफी मेरे बड़े भैया जो है वो एक्सपीरियंस होल्डर है, काफी इन्होंने मजे कर रखे हैं, तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो यात्रा गुरु जी चैनल के माध्यम से आप नेपाल की नाइट लाइफ देख रहे हो, लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक से बढ़कर एक कंटिन्यू, लगातार जरूर देखिएगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों इस प्रकार से लगातार आपको मैं नाइट लाइफ जो है वो यहाँ पर दिखाने लग रहा हूँ, और एकदम से बिल्कुल जवानियाँ जो है वो मैं, जैसा कि मेरा टैग लाइन रहता है, जवानियाँ सड़कों पे आ चुकी है। आप देख सकते हैं इधर भी सब लगभग लोग जो है वो भाई नाइट के कपड़े पहन के आ गए हैं, बिल्कुल शॉर्ट सर्किट वाले कपड़े हैं, एकदम शानदार वाले, देखते ही शॉर्ट सर्किट हो रहा है भाई यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे इस प्रकार से कपड़ों की जो है वो दुकान भी लगी हुई है, आप इस प्रकार से कपड़े भी खरीद सकते हैं, और एक से बढ़कर एक भाई यहाँ पर नाइट लाइफ आप लोग देखोगे। बहुत सारे जो लोग हैं वही भाई फॉरेन से हैं, बहुत सारे इंडिया से हैं, और जैसा कि पीछे भैया ने बताया कि भाई ये भाई है इंडिया का थाईलैंड है ना एक तरह का, तो भाई इंडिया के जस्ट नज़दीक अगर थाईलैंड जैसा मजा लेना है तो भाई नेपाल के अंदर आ जाइए, और एक से बढ़कर एक। चलिए भाई जितना मैं लेट तक यहाँ पर शूट कर सकता हूँ उतना मैं लगभग मैं यहाँ पर शूट करूँगा, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारे जो है वो देखने को मिल रहे हैं भाई इस प्रकार की नाइट लाइफ। भाई मैं तो पहली बार शूट कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में तो मैंने कभी इस प्रकार से शूट किया नहीं, क्योंकि कभी मैंने इस प्रकार का सोचा ही नहीं कि किया जाए, लेकिन अब थोड़ा सा भाई अदर कंट्री के अंदर हैं तो थोड़ा सा नाइट के भी नज़ारे जो है वो हमारे व्यूअर्स का काफ़ी डिमांड थी कि भाई नाइट लाइफ दिखाइए, नाइट लाइफ दिखाइए, तो फिर इस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ रात की ज़िंदगी। और एक आंटी जी जो है वो रात को भी इस प्रकार से दुकान छोटी सी लगा के बैठे हैं, जो आसपास आने वाले जो घूमने वाले बंदे हैं भाई कुछ कमाई करवा दे, और ये है भाई नज़ारे भाई नेपाल की, भाई पोखरा की नाइट लाइफ आप इस प्रकार से लगातार आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, और पूरा का पूरा एकदम भीतरी इलाके में जाके दिखाएंगे।
यार जब इस मार्केट के अंदर मैं यहाँ पर दिन में आया था तो मैं बिल्कुल मतलब कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस प्रकार का नजारा मुझे नाइट में मिलेगा और इसी मार्केट का मिलेगा। और भाई साहब मतलब दिन के अंदर कुछ और ही नजारे थे और रात को कुछ और ही नजारे हो गए। ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरा मैं कोई अलग ही कंट्री में आ गया हूँ, मतलब थाईलैंड के अंदर आ गया हूँ। लोगों की वेशभूषाएं चेंज हो गई है, मतलब हो सकता है अब दिन को जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दिन वाले लोग जो है वो अपने अपने घरों में होटलों में चले गए हैं और रात को मजे करने वाले लोग वापस बाहर निकल चुके हैं। तो बड़े कपड़ों से सीधे छोटे कपड़े हो चुके हैं भाई अभी के टाइम। लगातार आप देखते चलिए इस प्रकार के नज़ारे, बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। और यह है भाई पोखरा नेपाल के अंदर। क्या बार है, क्या क्लब है? अरे क्लब नहीं सर, क्लब। अरे नहीं नहीं, अरे इस प्रकार के भाई अप्रोच करने वाले आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन अंदर मत जाना, स्कैम होता है भाई। यहाँ पर दो चार क्लब जो है वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई है। एक क्लब 16 जो है वो इधर गली के अंदर भी है, इधर ये देखिए इस प्रकार से क्लब 16 अंदर है, तो वहाँ पे भी बहुत सारा आपको माहौल देखने को मिलेगा। ये पूरी रोड लंबी है और सामने की साइड देखिए, ये यहाँ की सुंदरियाँ आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी। और सामने की साइड भीड़ देखिए भाई साहब, बहुत ही तेज भीड़ है। चलिए मैं आगे की साइड लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ के माहौल किस प्रकार के माहौल रहेंगे। और लगातार आप देख सकते हो भाई, जैसे जैसे नाइट बीत रही है वैसे वैसे नाइट में पूरा का पूरा माहौल ही यहाँ पे चेंज होता जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भीड़ जो है वो तेज तेज बढ़ने लग रही है और अभी लोग मूड में आ रहे हैं और ये मसाज वाले मेरे को पूछने लग रही है लगातार। खूब मजे करो भाई, खूब मजे करो, जिसके जेब में है गांधी उसकी आएगी भाई आंधी। तो यही है, कितना ही आप ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा करो, आपका गांधी ज़्यादा ज़्यादा उड़ने वाला है भाई, पैसा होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा रापचिक नाइट है भाई साहब, जितना ज़्यादा मज़ा करोगे उतना धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। और जवान क्या बुढ़े क्या, सब का गेटअप लगभग आप लोगों को चेंज मिलेगा बहुत ही ज़्यादा। इसी प्रकार से बड़ी बड़ी दुकानें जो है वो आप लोगों को चलते हैं भाई। लगातार देखिए इस प्रकार से अपने को भीड़ देखने को मिल रही है यहाँ पर क्लब के अंदर, बहुत सारी भीड़ है। भीड़ को देखते हुए आगे चलते हैं। और नाइट यार जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है। मतलब इस प्रकार से आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है। इसका मतलब मैंने तो ये सोचा था कि भाई जैसे 12-1 बज जाएंगे धीरे धीरे जो है वो भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है वैसे वैसे यहाँ पर मतलब माहौल भी तगड़ा होता जा रहा है, खतरनाक वाला माहौल बन रहा है। मतलब और होटलों में से लोग निकल रहे हैं, और ज़्यादा निकल रहे हैं, लगभग रात के 11:30 बज रहे हैं तो लगभग 12-1 बजे तक तो और भी ज़्यादा यहाँ पर रश होने वाला है, क्योंकि फिर तो जैसे क्लब के अंदर जो टली हो गए हैं वो भी बाहर निकलने वाले हैं, तो पूरी रोड के ऊपर बेवड़े ही बेवड़े मिलेंगे आप लोगों को। अब भाई बज चुके हैं रात के 12 और लोगों को भी बज चुके हैं रात के 12, तो अब जो नज़ारा 12 बजे के बाद में रहने वाला है वो पूरा दारूड़ी दारूड़ी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे रोड के ऊपर। और बहुत सारा नज़ारा जो है वो अब इस प्रकार से जो है वो चेंज होने वाला है, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा भीड़ ही भीड़ आपको देखने को मिलेगी। और लगातार मैं आपको ये स्ट्रीट वॉकिंग स्ट्रीट आपको नज़र आ रही है धीरे धीरे। ये देखिए दुकानें भी यहाँ पर बंद होने लग रही है, काफ़ी टाइम हो गया, अब शटर धीरे धीरे ये इस प्रकार से नीचे हो रहे हैं, सब बंद कर रहे हैं, क्योंकि अब 12 बजे के बाद जो है वो पूरा टल्ली वाला मामला चलेगा और रोड के ऊपर सब आपको टल्ली हो रखे हुए हैं, आपको लोग मिलेंगे। तो अब धीरे धीरे हम भी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मामला चेंज होने वाला है भाई यहाँ पे। तो चलते हैं भाई आगे, और अब क्लबों में से जो है वो लोग धीरे धीरे बाहर निकलेंगे और पूरा एकदम वो देश के प्रधानमंत्री होंगे ना, उसी तरह वो बिहेव करेंगे भाई, पूरा मतलब मालिक है देश के, क्योंकि वो नहीं बोलते हैं, उनके अंदर जो डल रखी है ना वो बोलती है। धीरे धीरे आप लोग देख रहे हो भाई इस प्रकार से जो है रोडें अब खाली होने लग रही है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे अब नाइट बीतेगी वैसे वैसे रोडें खाली मिलेगी, क्योंकि जो लोग घूमने आए हैं वो वापस होटलों में शिफ्ट हो जाएंगे और जो क्लबों में से
निकलेंगे वो भाई वो एक अलग ही माहौल रहने वाला है। तो धीरे धीरे अब रोडें जो होगी सुनसान, अब जो है वो नेपाल वापस जो है वो सोने वाला है और अर्ली मॉर्निंग उठेगा और वापस इसी मार्केट का जो दिन में माहौल रहता है वो बहुत ही ज़्यादा अलग रहता है। और नाइट का माहौल तो आपने इस वीडियो के अंदर देख ही लिया है, पूरा रात और दिन का मामला है भाई साहब, मतलब 19-20 भी नहीं है, ये तो पूरा 20-40 जैसा मामला है, पूरा ऑपोजिट है स्थिति पूरी। दिन में आप देखोगे पूरा अलग, नाइट में देखोगे पूरा अलग। तो अभी मैं आ चुका हूं भाई वॉकिंग स्ट्रीट पे, जहां पे बिल्कुल ये चलने वाला पाथ आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस प्रकार से, और यहां पर आसपास ये टोटल पब और रेस्टोरेंट वगैरह है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, लाइक करना, और इसी प्रकार की बेहतरीन बेहतरीन वीडियो आगे आने वाली है, ठीक है। काठमांडू की भी वीडियो मैं डालने वाला हूं, ये तो फिलहाल आपने पोखरा की नाइट लाइफ देखी है तो मजा आ गया होगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो अच्छी बात है, और नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।